Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start a 7th question of exercise 6.5 triangle and its properties. So 7th question aapko dhyan se samajhna hai, bahut acche question hai, dono these are very important questions. So first is what, find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and the diagonal is 41 cm. Dekho kya kaha hai usne, find the perimeter of a rectangle. Yahan pe hamare paas ek rectangle hai. रेक्टेंगल, लेट अस सपोज दिस इज अबाउट अ रेक्टेंगल. ये हमारे पास रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल कौन सा है जी? ए बी सी डी. लेट अस सपोज ए बी सी डी इज अबाउट रेक्टेंगल. हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. हम इसका पेरीमीटर तब तक नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक इसकी हमारे पास ब्रेथ ना हो, ठीक है? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. ये फॉर्मूला होता है. उसने ये तो बता दिया आपको, फाइंड द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल हूज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 40 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ नहीं दी. एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर. अब इसका क्या दिया है? एक डायगोनल दिया है. डायगोनल, डायगोनल आप देखो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. पहली बात ये, चाहे आप ये वाला डायगोनल लगा लो चाहे ये वाला डायगोनल लगा लो, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो. डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है? उसके बाद लेट अस सपोज मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डायगोनल होता क्या है. देखो डायगोनल क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स, वो डायगोनल होता है. मैंने क्या बोला है अभी, मैंने ये कहा है किसी भी पॉलीगन में जो लाइन सेगमेंट दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाती है उसे डायगोनल कहा जाता है, ठीक है? जैसे ये देखो ए बी, ये दो कंसेक्यूटिव डायगोनल कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं. बी और सी भी कंसेक्यूटिव हैं और सी और डी भी कंसेक्यूटिव हैं, लगातार है ना इकट्ठे. लेकिन बी और डी क्या है? कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि बी के बाद सी आ गया और सी, ये बी और डी क्या हो गए? नॉन कंसेक्यूटिव, ठीक है? ऐसे ही ए और सी होंगे, ये भी नॉन कंसेक्यूटिव होंगे. तो अब ये वो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि व्हाट इज अ डायगोनल, द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है? तो ये हो गया. अब हमें फाइंड आउट करनी है जी ये ब्रेथ. अगर हमारे पास ब्रेथ आ गई तो उसके बाद हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. वेरी सिंपल, सुनाओ. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? क्यों? ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, तो आपने यहाँ पे लिख देना है साथ में. सो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, है ना? ये लिख देना आप, ठीक है? अब बी सी डी इज व्हाट? ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा था पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या होगी? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर. दिस वी हैव डन, है ना? अब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, इसको बेस ले लें हम 40 को, 40 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. पी कितना हो गया? बीसी. तो यहां पे बीसी का मैं स्क्वायर कर सकता हूं, आप पी स्क्वायर भी रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है. अब 41 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 1681. निकाल के देख लेना एक बार, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा. अब यहाँ पे बेटा 40 का स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है. कई बच्चे यहाँ पे 40 प्लस 40 कर देते हैं. अरे स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 40 × 40, ठीक है? स्क्वायर है ना. तो ये क्या हो गया? 1600 हो जाएगा. 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है? अब ये 1600 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस. ट्रांसपोज किया ना हमने, ये फोर्थ चैप्टर में पढ़ा हमने, ये सिंपल इक्वेशन है ना. तो यहाँ पे क्या है? बीसी स्क्वायर. अब देखो क्या आ गया, अब यहाँ पे ये 81 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर आ जाएगा. अब ये 9 का स्क्वायर लिख दो, ये किसका आ जाएगा? बीसी का स्क्वायर आ जाएगा. स्क्वायर के साथ स्क्वायर के आंसर बीसी इज इक्वल टू क्या रहेगी? 9.
तो इसकी ब्रेथ कितनी आ गई बेटा, अब 9 आ गई, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकालना था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड ऑल द डिस्टेंस अराउंड एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लेंथ कितनी थी 40 प्लस ब्रेथ हमने निकाल दी 9, तो अब क्या कर दो 2 × 40 + 9 = 49, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 98 है। अब यूनिट जरूर लिख देना साथ में ना, 40 सेंटीमीटर था तो आप सेंटीमीटर लिख दो, हाँ सेंटीमीटर ये दोनों हो ना, तो ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, पेरीमीटर। बहुत आसान सवाल है ना, सिर्फ आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप ये भी लिख दोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा ना। सो इसके बाद आप नोट इट डाउन करो, ठीक है, नोट इट डाउन, आफ्टरवर्ड वी विल डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट 8th सम, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसको ध्यान से समझो, उसने क्या कहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 cm and 30 cm। रोम्बस की शेप में ऐसे बना लो, रोम्बस होता क्या, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि व्हाट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, द क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, लेट अस सपोज ए बी सी डी। सबसे पहले आप रोम्बस लिखो, रोम्बस है क्या, रोम्बस द क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इज इक्वल, दिस साइड इज इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। अब हमें इसके दो डायगोनल्स दे रखे हैं, टू डायगोनल्स आर गिवन। अब सबसे पहले मान लो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस जो आपने लिखनी है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ना, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसी की सारी कहानी है। अब सुनो क्या होता है, उसने ये कहा है जी, आप 9th क्लास में इसका प्रूफ पढ़ोगे, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर आप ये देखो, एक डायगोनल उसका क्या दे रखा है, आई थिंक 16, एक क्या दे रखा है 30, चेक कर लेने दो मुझे, 16 and 30, ठीक है। बाइसेक्ट ईच का अदर का मतलब ये है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये लग नहीं रहा लेकिन होता ऐसे ही है ना। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूं, है ना, ये मैं यहां पे ऐसे कर लेता हूं इसको, ये डायगोनल था ना ऐसे, ताकि आपको थोड़ा फील भी आए ना कि हाँ वाकई में इक्वल होते हैं ना, फील आना चाहिए थोड़ा सा आपको, फील फील मतलब लगना भी चाहिए ना ये। अब यहाँ पे ये है ना, ये मान लो ओ है, ठीक है, ये मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, इसका मतलब है किसका, बाइसेक्ट ईच अदर का। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये है मतलब इसका बाइसेक्ट का। मैंने जो बात लिखी है ना, डायगोनल्स ऑफ ए, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री भी होता है। अब उसके बाद देखो, एक 16 है, एक 30 है, आप कोई सा भी 16 और 30 ले सकते हो। अगर मैंने ये 16 ले लिया तो इसका मतलब 8 इधर होगा, 8 विल बी इन दिस साइड, 16 था ना टोटल जो इसका डायगोनल है AC, वो कितना था 16, तो 8 उधर हो गया, 8 इधर हो गया। अब दूसरा क्या था 30, तो इधर कितना हो गया 15, इधर भी कितना हो गया 15। ये मतलब होता है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर का, ठीक है। मेरे पास मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा ना, ये 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया। अब हमने इसका क्या निकालना था, पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो वो सम ऑफ ऑल द साइड्स मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। अगर ये साइड निकल गई तो ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी ना। अब ये कैसे निकालेंगे, मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ आ जाना चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो नाउ व्हाट इज देयर, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी। मान लो मैंने ये लिख दिया, ट्रायंगल ए ओ बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ए ओ बी, अब इसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर
सबसे पहले ये होता है ना, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, देखो ये 90 डिग्री था तो इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए बी, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये ले ले है ना, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 289 ही आएगा मेरे ख्याल से, है ना। अब ए बी स्क्वायर ये किसका स्क्वायर बनेगा, 17 का स्क्वायर। मैंने उस दिन भी आपको जब चैप्टर शुरू किया था तो ये 6.5 पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, तो बच्चों मैंने आपको कहा था यू हैव टू लर्न स्क्वायर्स अप टू एट लीस्ट 30, वो याद रखो है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में स्क्वायर रूट है नहीं अभी, तो इसलिए ये दिक्कत आती है ना। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो ए बी इज इक्वल टू 17 आ गया। अब जैसे कि हमने पहले लिख दिया था रोम्बस की ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो दिस इज 17, दिस इज ऑल्सो 17, दिस इज ऑल्सो 17, दिस इज ऑल्सो 17। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, सारी साइडों को प्लस कर दो चाहे 4 × 17 कर दो, क्योंकि 17 + 17 + 17 करोगे ना 4 times, तो 4 times क्या कर दो, 4 × 17, सो व्हाट इज दैट, 68, ठीक है 68 सेंटीमीटर। आप ये भी कर सकते थे 17 + 17 + 17 + 17 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 68, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन। सम ऑफ पेरीमीटर की अगर आप डेफिनेशन पूछो ना तो क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है। और यू कैन से दैट द डिस्टेंस अराउंड एनी फिगर, तो ये डिस्टेंस हो गया ना अराउंड एनी फिगर, ये वाला, तो ये क्या आ गया 68 सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया जी, पेरीमीटर आ गया। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये समझ आ जाना चाहिए ना, ये दो सम से वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल दोनों ही, 7th और 8th है ना, अक्सर एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। तो आपको ये करने चाहिए है ना, एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस किया करो ना। मैं अक्सर बोलता हूँ आपको 5th chapter 6th chapter, जैसे 5th lines एंड एंगल्स है, 6th ये ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज था, 7th congruent triangles है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर मैथमेटिक्स इन 9th class। अगर आपको 7th class का मैथ क्लियर होगा तभी आपकी बात जाके 9th class में बननी है, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप इसको थोड़ा लाइट लोगे ना तो फिर आपको दिक्कत आती है। अब अक्सर ऐसे ही होता है ना, 9th में जाके ना ज्योमेट्री का पोर्शन आ जाता है, उसमें बच्चा भागता है थोड़ा, भागने का मतलब ये नहीं दौड़ता है उसका मतलब, ये मेरा मतलब कहने का ये है कि मैथ से थोड़ा दूर हटता है कि मेरे को आता नहीं, समझ नहीं आता मेरे को ये है, तो उसका कारण यही होता है कि क्योंकि उसने 6th, 7th, 8th में अच्छी तरह से मैथ की स्टडी नहीं की होती। सो होप आप इन बातों का ध्यान रखोगे, आप अच्छे से इनको ज्योमेट्री को जितने भी चैप्टर हैं उसको अच्छे से करोगे, और ताकि आपको आगे हायर क्लासेस में कोई भी दिक्कत ना आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।